गरीब गोलगप्पे वाली। ज्ञानपुर गांव की ये कहानी है। उस गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति राकेश बहुत लालची और कामचोर था। वो एक नंबर का नशेड़ी भी था। वहीं सुनीता बहुत मेहनती थी। उसकी दो बेटियां भी थी, प्रीति और मीरा। राकेश अभी कोई काम नहीं करता था। अभी एक हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाला गया था, क्योंकि उसने मैनेजर के 20,000 रुपए चुरा लिए थे और बाद में उसे कैमरे में देख लिया गया तो मालिक ने उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। पर राकेश को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। वो तो उल्टा रोज शाम को अपनी बीवी से शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसे मारता भी था। सुनीता ने इन्हीं सब के चलते अभी 4 दिन से ही गोलगप्पे बेचना शुरू किया था, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। राकेश को सुनीता का गोलगप्पे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात को राकेश शराब पीकर आता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वो सुनीता की गोलगप्पे की रेड़ी भी तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने उसको उसकी बीवी के बारे में भड़काया था। सुनीता ने आज तंग आकर गेट बंद कर दिया था। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सो गई क्या मनहूस? गेट खोल, बहुत गोलगप्पे बेचने का शौक चढ़ा है ना तुझे? आज तेरे उस भूत को ही उतार दूं पहले। आज मैं कोई गेट नहीं खोलूंगी, बस अब मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की इस मचमच से। आप आज बाहर ही रहेंगे। तू होती कौन है मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने वाली? अभी एक बार घर में आने दे, तेरी हेकड़ी तो मैं अंदर आके ही उतारता हूँ। खोल गेट। वो जोर जोर से गेट पर पैर मारता है और सामने पड़ी ईंट भी दरवाजे पर मारता है, पर सुनीता ने गेट नहीं खोला। राकेश पूरी रात बाहर काटकर बहुत गुस्से में होता है। सुनीता जैसे ही गेट खोलती है, वो गुस्से में अंदर घुस जाता है और सुनीता और उसकी बेटियों का सामान बाहर फेंक देता है। रात में तो तुम अपनी औकात भूल गई थी, बस वही याद दिला रहा हूँ। जहाँ से आई थी वहीं चली जा, क्योंकि मेरे घर में तुम और तुम्हारी इन मनहूस बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। राकेश अपनी बेटियों को मनहूस मानता था, क्योंकि उसे लड़के की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़कियां ही हुई। आप सुनिए तो, हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे लिए तुम सब मर गए हो आज से। जाओ रह लो कहीं भी, मुझे उससे क्या, रोड पर रहो या यतीम खाने में। इसके बाद वो गेट बंद कर देता है। अब हम क्या करेंगे माँ? पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया और हमारी रेड़ी भी तोड़ दी, और अब हम क्या करेंगे? मुझे भूख भी लगी है माँ। तो डर मत मीरा, तेरी दीदी है ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं। वो पैसे निकालती है, उसके पास 1,000 रुपए होते हैं। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ, वो मैंने स्कूल में मैराथन में भाग लिया था और मैं फर्स्ट आई थी, तो उसी का इनाम है। पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? कब बताती मैं आपको, घर में एक पल की तो शांति भी नहीं है। खैर ये छोड़ो, हम इन पैसों से अपनी रेड़ी को ठीक करवाएंगे और गोलगप्पे की दुकान फिर से लगाएंगे। सुनीता और उसकी बेटियां फिर से गोलगप्पे की रेड़ी लगा लेते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पर 100 रुपए की भी बड़ी मुश्किल से बिक्री होती है। रात हो जाती है, उनके पास ना तो रहने की कोई व्यवस्था होती है, ना ही कोई होटल, और ना ही रहने के लिए पैसे, तो उन्हें मजबूरन रोड पर ही सोना पड़ता है, वो भी रात को 5 डिग्री के टेम्परेचर में। सुनीता हार नहीं मानती। वो अगली सुबह फिर से गोलगप्पे के लिए आलू और चने तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बेटी मीरा की तबीयत भी खराब हो जाती है, उसे तेज बुखार हो जाता है, पर उनके पास उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं होते। सुनीता ये सोच के कि बिक्री से कुछ पैसे मिलेंगे तो वो उसका इलाज करवाएगी। गोलगप्पे खा लीजिए भाई साहब, बहन जी आप तो खाकर देखिए, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हूँ मैं, एक बार खाकर तो देखिए। पर कोई भी उसके गोलगप्पे नहीं खाता। इसे देखकर सुनीता का मन बहुत उदास हो जाता है।
इतने में भागते भागते प्रीति वहां आती है। माँ माँ वो मीरा, मैंने बोला था ना तुझे छोटी के पास रहने के लिए, फिर तू यहाँ क्यों? माँ वो छोटी, क्या हुआ उसे? माँ वो मीरा भी उल्टी कर रही है और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया है, वो ठंड से भी कांप रही है। माँ तू यही रुक, मैं मीरा को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तू ये रेडी छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, यही हमारी रोजी रोटी है। ठीक है माँ, तुम जाओ मैं ये देख लूंगी। सुनीता मीरा को डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं और उसकी दवाई के लिए बोलते हैं और अपनी फीस के लिए भी। मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर से हाँ कहकर चली जाती है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए हैं भगवान, जो तूने मुझे शुरू से ही इतनी तकलीफ दी है। पहले तो इतना घटिया पति मुझे मिला, मैंने उसे भी स्वीकार किया, उस नीच आदमी ने मेरी बेटियों को मनहूस कहा और हमें घर से भी निकाल दिया। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, पर आज तुझे मेरी सुननी होगी भगवान। मेरी बेटी मुझे सही सलामत चाहिए, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मेरे पास तो अब जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। प्रीति के कंधे पर कोई हाथ रखता है, प्रीति रो रही थी। बेटा तुम क्यों रो रही हो? वो आंटी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है, और कोई हमारे गोलगप्पे भी नहीं खा रहा क्योंकि हम गरीब है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते, तुम गरीब नहीं हो, तुम तो बहुत अमीर हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो, और इतनी अच्छी माँ और इतनी प्यारी बहन को पाकर कोई गरीब कैसे हो सकता है भला, तुम तो बहुत अमीर हो, आगे से ऐसा बिल्कुल मत कहना। चलो तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, तुम उन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ। इतने में सुनीता वहाँ आ जाती है। माँ देखो ना, ये आंटी हमारे गोलगप्पे खाना चाहती है, आओ खिलाओ इनको। और वो औरत अपने सभी दोस्तों को बुला लेती है और वो सुनीता के गोलगप्पे खाते हैं। वाह जी वाह, बड़े ही स्वाद गोलगप्पे बनाते हो तुसी, मजा ही आ गया। हाँ मुझे भी बता दो ना इसकी खास रेसिपी। जी कुछ खास नहीं। ऐसे गोलगप्पे तुम अपनी 7 जन्मों में भी नहीं बना पाओगे, समझे? कितने पैसे हुए? 100 रुपए। और वो औरत उसे 5,000 रुपए देती है। जी आप ज्यादा पैसे दे रही हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी कम है, आपकी मेहनत के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। पर हम ये नहीं ले सकते। लेने तो आपको पड़ेंगे, और इसके साथ हमारे साथ भी चलना होगा। जी हेलो, माई सेल्फ कविता, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ आप जैसे लोगों के लिए। मुझे प्रीति ने सब कुछ बताया, कैसे आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देखी है, पर अब बिल्कुल नहीं, आपकी तकलीफ यही खत्म। हम आपकी बेटी का इलाज भी करवाएंगे और उसकी पढ़ाई भी करवाएंगे, और आप हमारे एनजीओ में ही रहेंगे, और हम आपके इस गोलगप्पे वाले स्टार्टअप को भी बढ़ावा देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हैं, और गोलगप्पे के इस टैलेंट को हम ऐसी थोड़ी ना वेस्ट जाने देंगे। थैंक्स कविता जी, आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई है, आप किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं है। थैंक्स आंटी। फीका फीका, प्रीति उसके गाल पर किस करती है। उसके बाद वो सभी सुनीता के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और मीरा का इलाज अच्छे से करवाते हैं, और उसके बाद वो उन सबको अपने एनजीओ में लेकर जाते हैं, जहां सुनीता जैसे कई और औरतें पहले से काम कर रही होती हैं। अब सब ठीक हो जाता है, मीरा और प्रीति अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और सुनीता के गोलगप्पे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, उसके गोलगप्पे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इन सब के बाद राकेश उसके पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर सुनीता उसे माफ नहीं करती, वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी और उसे और उसकी बेटियों को राकेश की कोई जरूरत नहीं होती।
मोना एक चूड़ी बेचने का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे थे, कुणाल और अनु। दोनों अभी छोटे थे। मोना के पति रमेश की पिछले साल कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। उसके इलाज के लिए मोना को अपना सब सामान गिरवी रखना पड़ा ताकि वो अपने पति का इलाज करा सके। पर इन सब के बावजूद भी वो बच नहीं सका। अब सारी जिम्मेदारी मोना के कंधों पर आ गई थी। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए चूड़ी बेचने का काम किया। अगर वो एक दिन भी चूड़ी बेचने ना जाए तो रात का खाना मिल पाना भी मुश्किल होता था। उठ जाओ मेरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना, चलो देर हो जाएगी, उठो। आप ऐसे कब तक पड़े रहोगे? देखो मैंने क्या बनाया है तुम दोनों के लिए। देखो मैंने तुम दोनों के लिए क्या बनाया है, तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। आलू का पराठा? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो पहले हाथ मुंह धो लो और फिर खा लेना, और समय से स्कूल चले जाना, लेट मत होना बिल्कुल भी। मैं जरा चूड़ी बेचने जा रही हूँ। मोना गांव में चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। कैसी दी बहन ये हरी चूड़िया? 20 रुपए दर्जन। ठीक है ये दे दो हरी वाली। सुनो अगर हम तुमसे काफी सारी चूड़िया ले तो क्या डिस्काउंट दोगी? आप ले लो, मैं 15 रुपए दर्जन लगा दूंगी। ठीक है कल आना, वो मेरी नंद की बेटी की शादी है और हमारे यहाँ पे सभी सुहागनों को उनकी मन पसंद की चूड़ियाँ दी जाती हैं, तो कल तुम ढेर सारी चूड़ियाँ ले आना। मोना खुश होती है और वो बाजार से काफी सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है ताकि कल उस औरत के घर ले जा सके। वो अपनी सारी कमाई उन चूड़ियों को खरीदने में लगा देती है। अगली सुबह मोना सारी चूड़ियाँ लेकर उस औरत के घर पहुँचती है। बहन जी देखिए मैं चूड़ियाँ ले आई हूँ। आ गई आप, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाइए। मोना अपनी सारी चूड़ियाँ अंदर ले जाती है। वहाँ खड़ी सारी औरतें चूड़ियाँ देखती है। क्या बकवास चूड़ियाँ हैं, बाबा आदम के जमाने की चूड़ियाँ उठा के लेके आई है, कोई लेटेस्ट डिजाइन नहीं है क्या? है ना, ये देखिए ये तो पहले वाले से भी रद्दी है। ऐसी चूड़ियाँ तो हम अपनी नौकरानियों को भी ना पहनने दें। ए चूड़ी वाली, ये अपना बोरिया बस्ता समेटो और कहीं और जाकर अपनी दुकान लगाओ। हमें नहीं खरीदनी तुमसे कोई भी चूड़ी। थर्ड क्लास चूड़ी और थर्ड क्लास ये चूड़ी बेचने वाली। मोना उनकी खरी खोटी सुनने के बाद रोने लगती है और अपनी सभी चूड़ियां अपने बैग में पैक करके रख देती है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। किराए न चुकाने की वजह से मकान मालिक मोना के घर पर आता है। मोना को घर पे ना पाने की वजह से वो उसके बच्चों को बोल के जाता है कि वो शाम को आएगा। शाम को जब मोना घर पर आती है, उसके घर पर आते ही मकान मालिक भी वहां आ जाता है। अहो भाग्य हमारे जो आपने अपने पैर घर पसारे, पता नहीं कि आपसे मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा। भाई आप तो अंबानी से भी ज्यादा बड़ी बिजनेस संभालती हैं, टाइम कहाँ है आपके पास? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओहो गलती और आपसे? नहीं जी हमसे गलती हो गई, आपको अपना घर किराए पर देकर। मुझे याद था आपका किराया देना, पर दरअसल आज सुबह ही मैंने उन पैसों से चूड़ियां खरीद ली, ये सोचकर कि बिक्री अच्छी होगी तो आपके पैसे दे दूंगी। तो लाओ हमारे पैसे। पर मेरी एक चूड़ी भी नहीं बिकी, बस 50 रुपए की ही बिक्री हुई। देखो ऐसे नहीं चलेगा, पहले ही मैं 2 महीने की छूट आपको दे चुका हूँ, ये सोचकर कि विधवा हो और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। पर अब और नहीं, कल तक अगर तुमने किराया दिया तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर ले जाना। पर मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम अचानक से कैसे कर पाऊंगी, प्लीज मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। नहीं अब और नहीं, मैं पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूँ, अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अब आप अगर कल पैसे दे दें तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाना। इसके बाद मकान मालिक ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और मोना बहुत उदास हो जाती है। अगर कल सुबह तक उसे पैसे नहीं दिए तो उनके सर पर छत भी नहीं रहेगी। वो अपने सगे संबंधियों के पास मदद के लिए जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सब तरह तरह के बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मोना एक सुनसान रोड पर अपनी सुध-बुध खोकर चल रही थी कि तभी एक कार उसके पास से गुजरती है जो बहुत तेज होती है।
और सामने जाकर पेड़ में टकरा जाती है। उस गाड़ी से धुआं निकल रहा था। उसमें एक जवान लड़का और एक 40 साल की औरत बैठी थी। उस औरत के सिर से बहुत खून निकल रहा था। मोना मदद के लिए पुकारती है तो कुछ लोग वहां आ जाते हैं। प्लीज मदद करो इनकी, देखो इनके सिर से खून निकल रहा है। अरे भाई ये तो एक्सीडेंट है, कौन इस पचड़े पे पड़ेगा, पुलिस वाले तो उल्टा हमको ही इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे और हमें ही जेल में डाल देंगे। ऐसे तो ये मर जाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पर कोई भी आदमी आगे नहीं आता। फिर मोना उन दोनों को टैक्सी से हॉस्पिटल तक लेके जाती है। डॉक्टर साहब प्लीज आप इन्हें देखिए ना, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उनको आईसीयू में ले जाता है और उनका इलाज शुरू करता है। अब वो सेफ है। वैसे आप जानती हैं कौन है वो? जी नहीं। वो शहर के बड़े उद्योगपति कपिल जी की पत्नी है और उनका बेटा है। आपने बिना उन्हें जाने उनकी मदद की। सच में आज भी इंसानियत जिंदा है। मोना इसके बाद घर चली जाती है। उसके बच्चे भी परेशान थे, पर मोना पैसों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। अगली सुबह मकान मालिक आकर उनका सामान आकर घर से निकाल देता है और वो बेघर हो जाते हैं। मोना अपनी चूड़ी की पोटली भी उठा लेती है और उसे रोड पे रख के बेचने लग जाती है। दीदी चूड़ी ले लो, बहुत सुंदर है, आप देख तो लो एक बार। कितने की दी? 20 रुपए दर्जन। मैं तो इसके 2 रुपए भी ना दूं। मोना अपनी किस्मत पर रोती है और अपने पति को याद करती है। अगर आप जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज हमारे बच्चे यूं सड़क पर ना होते, इनका ये हाल ना होता। मैं क्या करूं, मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि मैं पी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इतने में डॉक्टर और औरत उसके पास आ जाते हैं। मैडम यही है वो औरत जिन्होंने फरिश्ते की तरह आपकी और आपके बेटे की जान बचाई है। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो खुद से पहले भी किसी को आगे रखते हैं। जी धन्यवाद। आप और आपके बच्चे यहाँ रोड पर क्यों पड़े हैं और आपका सामान यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है? जी कुछ नहीं, बस किस्मत के मारे हैं, हम गरीब आपको कहाँ मिलेंगे, यही रोड तो हमारा सहारा है। आप हमें बताइए क्या हुआ, शायद हम आपकी थोड़ी मदद कर सकें। हमें कोई तमाशा नहीं बनना, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। ओके, हम आप पर कोई एहसान नहीं करेंगे, हम तो आपको काम देंगे। हाँ सच में आप हमको काम देंगे? हाँ, और काम के साथ साथ रहने के लिए घर भी, पर वो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तो हम अपने सभी वर्कर्स को देते हैं। काम क्या होगा? हमारा पास में ही छोटा सा मॉल है, उसमें हमारा एक छोटा सा ब्राइडल कलेक्शन है। हम चाहते हैं कि आप वो संभाल लें, और हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो, जो कि सारे गुण आप में हैं। आप पैसे कितने देंगी आंटी? 15,000 रुपए महीना, वो भी कैश में। ठीक है, हम कल से आ जाएंगे। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। मोना को इतने बड़े मॉल में उसका मनपसंद काम मिल जाता है और वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा देती है और अपनी जैसी कई छोटी चूड़ी बेचने वालों की मदद भी करती है ताकि किसी और चूड़ी बेचने वाली को वो सब फिर से ना देखना पड़े जो उसने देखा था, ताकि फिर कोई मोना जैसी औरत कमजोर होकर कोई गलत कदम ना उठा सके। रूमा रायपुर के एक गांव में अपने पति राहुल के साथ रहती थी। राहुल हमेशा रूमा पर नाराज रहता था और छोटी छोटी बातों पर भी उस पे चीखते और चिल्लाते रहता था। रूमा बड़ी ही सीधी साधी स्वभाव की थी और उसको अपने पति के उखड़े व्यवहार का कारण बिल्कुल समझ नहीं आता था। रूमा रूमा तुमने मेरी अलमारी खोली? जी दरअसल मैं आपकी शर्ट निकाल रही थी प्रेस करने के लिए। मैंने बोला था क्या तुझे, पहले मुझे बताया कर, या फिर पूछ नहीं सकती थी तू? जी मैं तो बस। चुप हो जा मनहूस औरत, कभी मुझे सुकून से नहीं रहने देती। रोमा को राहुल की बातों पर बहुत दुख होता था। इस बार भी वो रोते हुए रसोई घर में चली गई। कई महीनों तक इसी तरह झगड़े होते होते एक दिन रोमा को पता चला कि राहुल का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है
और राहुल हमेशा के लिए रोमा को छोड़कर चला जाता है। रोमा कमरे में रो रही थी, तभी अचानक वो बीमार हो गई और उसको उल्टियां होने लगी। रोमा डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर, क्या हुआ था मुझे? खुशखबरी है आपके लिए। मतलब क्या खुशखबरी है? आप पेट से हैं, मुबारक हो, माँ बनने वाली हो आप। रोमा को ये खबर सुनकर पहले तो खुशी हुई, लेकिन फिर वो रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा खेल है आपका? मेरा पति तो मुझे छोड़ गया, कोई और है भी नहीं मेरे पास, मेरी बूढ़ी बीमार माँ के अलावा। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि मैं हर मुश्किल पार करके एक अच्छी माँ बन सकूं। इसके बाद रोमा घर जाकर अपनी माँ को ये खुशखबरी देती है। माँ, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो तुझे। जमाई बाबू कहाँ है? माँ वो असल में। अरे अरे, रोने क्यों लगी तू? छोटा मोटा झगड़ा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, झगड़ा खत्म हो जाएगा खुशखबरी सुनते ही। काश ऐसा हो पाता माँ, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। उनके जीवन में कोई और औरत है माँ, मेरे बच्चे का बाप तो अब किसी और औरत के साथ है। ये सुनकर रोमा की माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। माँ, मैं क्या करूँ? मैं अगर आराम करने लगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अजीब सी बेचैनी है और डर भी लग रहा है। फिक्र मत कर, हम गरीब हैं, लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है बेटा। तेरे पति ने तेरे पढ़े लिखे होने को अपने घमंड में दबा दिया था, लेकिन अब तू आजाद है उससे। तू घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसे तू कमा भी पाएगी और आराम भी कर सकेगी घर में। सही बोल रही हैं आप माँ, तो ठीक है, मैं अब ट्यूशन ही पढ़ाऊंगी। रोमा ने घर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को उसके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आने लगा और आसपास में सबके बीच बात फैल गई कि सभी रोमा से बड़े मन से पढ़ते हैं और उनके अंक भी अच्छे आने लगे। एक दिन रोमा की एक पड़ोसी शारदा रोमा से मिलने आती है। कैसी हो रोमा, अभी 8वां महीना है ना तुम्हारा? हाँ दीदी, भगवान की कृपा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छे से ख्याल रखो अपना। तुम बहुत हिम्मती हो, जिस तरह तुम पति के बिना भी इतनी मजबूती से डटकर खड़ी हो, सबके बस की बात थोड़ी ना है। क्या करूं दीदी, मैं गरीबी में जीवन बिता रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को अच्छा जीवन देना है मुझे, उसको ढेर सारी खुशियाँ देनी है मुझे और अच्छे मुकाम पर पहुँचाना है। बिल्कुल, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, देखना तुम्हारे बच्चे को तुम पर फक्र होगा। वैसे खुशखबरी है मेरे पास। क्या खुशखबरी है दीदी? तुम्हारे पढ़ाने के तरीके को सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तुम अभी तो आराम करने की हालत में हो, लेकिन माँ बनने के बाद ढेर सारे लोग अपने बच्चे को तुमसे मनचाही कीमत पर पढ़वाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, ऐसे तो मैं अच्छे से घर भी चला सकूंगी और अपने बच्चे के करीब रहकर उसे वक्त भी दे सकती हूँ। 1 महीने बाद रोमा को एक बेटी होती है। रोमा ने अपनी बेटी का नाम शक्ति रखा। रोमा अपनी बेटी को खूब अच्छे से पालती थी और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाकर पैसे भी कमाती थी। शक्ति जब बड़ी होने लगी तो उसको समझ में आने लगा कि उसकी माँ उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती है और उसको कितना प्यार करती है। शक्ति जब 10 साल की हुई तब से ही वो बढ़िया कविताएं और गीत लिखना शुरू कर देती है। उसकी लेखनी बहुत अच्छी हो गई थी। वो 10 साल की उम्र से ही खास महिलाओं के महत्व पर, उनके जीवन पर और उनके हक की कविताएं लिखने लगी। हर कोई शारदा से उसकी बेटी की खूब तारीफ करता था। एक बार गांव में रहने वाले एक प्रोफेसर शक्ति से मिलने घर आए। अरे प्रोफेसर सर, आप आइए आइए, बैठिए, कैसे हैं? मैं तो जी हमेशा की तरह बिल्कुल चंगा हूँ, आपकी बेटी शक्ति से मिलने आया हूँ। प्रणाम सर, कैसे आना हुआ?
एक कविता लेखन प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ कविता लिखने वाले को मुख्यमंत्री जी से इनाम मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बेस्ट रहोगी। पता है उस प्रतियोगिता में आपके पति राहुल भी होंगे, वहाँ उनके ही लॉन में प्रतियोगिता होगी। क्या? तब मैं शक्ति को वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी का साया इस पर पड़े। नहीं माँ, मुझे जाना है। पापा ने आपको तब छोड़ा था जब आप गर्भवती थी और हमारा हाल कभी जानने की कोशिश नहीं की। मुझे उनको दिखाना है कि मेरी माँ ने अकेले ही मुझे कितने अच्छे से पाला है और हम कितने खुश हैं। शक्ति ने शारदा को प्रतियोगिता के लिए मना लिया और खूब मन लगाकर तैयारी करने लगी। शक्ति बच्ची, तुम किस विषय पर कविता तैयार कर रही हो? ये तो सरप्राइज है माँ, लेकिन ये कविता मेरी अब तक की सबसे खास कविता होगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा करोगी। कुछ दिनों के बाद आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। लॉन में आते ही शारदा की नजर अपने पति पर पड़ी। उसको पुरानी बातें याद आने लगी, लेकिन शक्ति ने उसका हाथ पकड़कर उसका हौसला बढ़ाया। राहुल अपनी बेटी से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन शक्ति ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। प्रतियोगिता शुरू हुई और शक्ति अपनी बारी आने पर बोलना शुरू करती है। नमस्कार, मैं हूँ शक्ति। मेरी कविता सबसे करीबी इंसान को, मेरी भगवान को, मतलब मेरी माँ को समर्पित है। कविता का नाम है गरीब गर्भवती माँ। शक्ति ने बहुत ही कुशलता से अपनी माँ की मेहनत, उनकी हिम्मत, उनके प्यार और अपने पिता के धोखे को एक कविता के रूप में सुनाया। इस कविता में शक्ति ने अपनी माँ को अपनी असली शक्ति का दर्जा दिया। उसके गर्भ में से ही उसे अकेले पाला, बड़ा किया, मजबूत बनाया और ढेर सारा प्यार दिया। उसकी कविता सुनकर हर मौजूद इंसान बिल्कुल भावुक हो गया और लोग बिना रोके तालियां बजाने लगे। शक्ति की कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। आपकी तालियां और पुरस्कार की असली हकदार मेरी माँ है। सही मायने में वही शक्ति है। बेटा शक्ति, हमें तुझ पर गर्व है। तू अपनी लेखनी के जरिए हर लड़की और औरत को शक्ति देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी। वैसे हमने एक खास फैसला किया है। हम तुम्हारी माँ को सर्वश्रेष्ठ माँ के पुरस्कार से सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि वो ये पुरस्कार डिजर्व करती हैं। शारदा को भी वहाँ सर्वश्रेष्ठ माँ का पुरस्कार मिला और पीछे बैठा राहुल अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन उसको ये समझ आ चुका था कि उसको अब कभी भी उसके किए की माफी नहीं मिल सकती। शक्ति अपने पिता के बगल से उसको देखे बिना गर्वीले अंदाज में अपनी माँ का हाथ थामकर पुरस्कार के लिए चली गई। राहुल वहीं बैठा पछतावा कर रहा था कि काश उसने अपनी पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ा होता, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी।